लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। भगवान को चाहिए कंडक्टर लोग को मगज जरा जास्ती दिया करें। 3/4 मगज तो पैसेंजर लोग खा जाते हैं। अरे किरण चलो, बस लेट हो गई है। अजी ड्राइवर साहब, अभी 2.5 सवारी और आने वाली है। अरे छोड़ो सवारियों को यार, चलो अपना क्या। लोग समझते हैं इनके बाप की बस है, टाइम की परवाह नहीं। अरे चुप रहे। अरे बाप रे, कुत्ता ही तोड़ डाला। ए अंधी हो क्या? लेडी पैसेंजर से बात करने की तमीज नहीं तुझको? समझ में आता आपको? वो ड्राइवर साहब, तुम बात चलाओ। अरे ठीक है ना यार। ए मिस्टर, शायद तुम्हारा पैर गिर गया है, उठाकर जेब में रख लो। सवारी सामने सड़क पर खड़ी है। रोक लो भाई, रोक लो। अरे चलो जल्दी अंदर चलो साहब। वो तुम्हारा बक्सा के दूसरी बस से जल्दी आएगा। सॉरी। अरे चलो जल्दी अंदर चलो, पहले ही देर हो गई है। देर से तो तुम आए हो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आधे घंटे से इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, बस साली पहले ही लेट है, आज का दिन ही बुरा है। जाओ
आजमी मैडम। मैं LSM कंपनी में क्लर्क की नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। बहुत सारे लोग आएंगे वहाँ, लेकिन ये नौकरी मुझे ही दिलवाना। मैं 100 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगा। हरिओम। प्रभु, मैं LSM कंपनी में क्लर्क की नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। वहाँ बहुत से लोग आएंगे, लेकिन ये नौकरी मुझे ही दिलवाना। हाँ, मैं 100 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगी। हाँ, हरिओम। बोलो मैम साहब। मैं इंटरव्यू के लिए आई हूँ। और भी बहुत से लोग आए थे, कुछ फायदा नहीं हुआ तो चले गए। क्यों, आज इंटरव्यू नहीं होगा? होगा, पर आप ली नहीं जाएंगी। कोई सिफारिश आ गई क्या? मैनेजर साहब को पता चल गया कि तुमने ये लफ्ज बोला है तो तुम्हारा इंटरव्यू ही नहीं लेंगे। हाँ, जैसे कोई बैगन से चिढ़ता है, भगवान तुम्हारा भला करे, करेले से चिढ़ता है, इसी तरह मैनेजर साहब सिफारिश से चिढ़ते हैं। ये लफ्ज तो तुम बोलो ही मती। हाँ, हम तुमको बताते हैं कि तुम क्यों नहीं ली जाओगी। उधर देखो, एक से एक काबिल लोग आए थे इस नौकरी के वास्ते। एक बीए की डिग्री दरकार है ना, इसके सिवा सबके पास थी। अरे, जब इसके पास बीए की डिग्री नहीं है तो ये आया क्यों? वो भी हम बताते हैं। वो बात है सो ये है कि ये बीए तो नहीं है, पर एमए एमकॉम जरूर है, वो भी फर्स्ट क्लास, खेल कूद में वस्ताद, एक्टर नंबर 1 का, और ड्रामे के फोटो और सर्टिफिकेट इसकी फाइल में नथी। बिरजू आया साहब। कोई चक्कर चलाओ साधना जी, ये नौकरी तो चाहिए। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। नाम? राम कुमार मैडम। ओह, सरन सरन। हाँ। इंटरव्यू के लाए हैं? गुड। हाँ हाँ, बैठिए ना, बैठिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये दफ्तर कितने बजे खुलता है? 10 बजे। अच्छा अच्छा, बैठे बैठे। शुक्रिया। Thank you.
हाँ, पहले कहीं काम किया है? नो मैडम। नो? यानी कि आप मेरे सर्टिफिकेट्स और टेस्टिमोनियल्स देख लीजिए। एंड फर्दरमोर, आई एम MA MCOM। अच्छा अच्छा, जरा इसको पकड़ी लाई। वेरी गुड, स्विमिंग में गोल्ड मेडल भाई है भाई। अच्छा अच्छा, एक्टिंग भी करते हैं आप? गुड गुड गुड, वेरी गुड। जापान पर एटम बम कब गिराया गया था जी? यानी कि मैं तारीख कभी भूलता ही नहीं ना। 6 अगस्त 1945 को एक बम हिरोशिमा पर गिरा गया, एक बम नागासाकी पर जापान भी, यानी कि क्या लोग हैं, वाह वाह, बर्बाद हुए और फट से फिर खड़े हो गए। करेक्ट, लेकिन इतनी क्वालिफिकेशंस और जनरल नॉलेज के बावजूद भी आपको ये नौकरी नहीं मिलेगी जी। पर नहीं मिस्टर राम कुमार, बेपर, ये नौकरी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, क्योंकि आप गधे नहीं हैं, क्योंकि इस देश में ईमानदारी की कोई कीमत नहीं। होती तो ये नौकरी आप ही को मिलती है, और मैं आपके अपॉइंटमेंट लेटर पर दस्तखत करके खुश होती, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। आफ्टर ऑल मैनेजर ही तो हूँ, मालिक तो हूँ नहीं। सवेरे सवेरे त्रिवेदी को अपॉइंट करने का फोन आ गया। मालिक का फोन? हम्म, तो फिर मेरा क्या होगा? मैं तो यानी कि धोबी का वो हो गया ना, घर है नहीं और घाट मिल गया त्रिवेदी को। आई एम वेरी सॉरी, मेरा तो जी चाहता है कि आपके साथ होने वाले इस अन्याय की प्रोटेस्ट में मैनेजर इसे रिजाइन कर दूं। अरे नहीं, ऐसा तो करना ही नहीं चाहिए ना मिस्टर राम। हमारे जैसे सिंसियर लोगों को तो जापान में पैदा होना चाहिए था। बट यू डोंट वरी, कोई हफ्ते भर में यहाँ एक और जगह निकलने वाली है। मैं मालिक से आपके बारे में बात कर लूंगी और वो नौकरी आपको दिलवा के ही रहूंगी। थैंक्स, थैंक्स अ लॉट। ओके, लेकिन अगर कोई सिफारिश आ गई? अरे अगर कोई सिफारिश भी आ गई ना, तो मैं आपको अपने कोटे में से नौकरी दिलवा दूंगी। मैडम, मैडम, मेरा नाम साधना है। मैंने बहुत से अवसर देखे हैं साधना जी, लेकिन आप जैसा कोई नहीं। आप में मैनेजर का कोई घमंड ही नहीं है? अरे नहीं, बेरोजगारों से सीधे मुंह बात कर लेती हैं। लेकिन मेरी नौकरी वाली बात याद रहेगी ना आपको? हाँ हाँ, कह दिया ना, कभी टाइम मिले तो मिलेगा। हाँ, मैं देख लूंगी। हाँ, अब आप जाइए। हाँ चलता हूँ, धन्यवाद। ये विमली के लिए, ये नट्टू के लिए, और मुझे। अरे दादा, तुम तो बच्चों से भी आगे बढ़ रही, दोनों हाथ फैला रही हो। एक और दे, तुझे नौकरी मिली है ना। ये लो मैडम। तुम लोग अंदर जाके पेड़े खाना। चलो चलो जाओ। अरे जल्दी चलो। मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ आइए आइए ना, बैठे। अरे एक मिनट। अरे अरे, हाथ क्यों तकलीफ करती है, मैं खुद ही ले लेता हूँ। बात यह है कि सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मिस्टर राम, ये इस देश में रिश्वत न लेने की सजा है। इस देश का आर्थिक ढांचा भी इसी कुर्सी की तरह है। हाँ, फल बाजार से जा रहा था जी, मौसमियां बड़ी अच्छी आई थी, थोड़ी सी लेता आया। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। अगर आपको मौसमियां पसंद नहीं तो कल मैं सेल ला दूंगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि मुझे इन बातों से नफरत है। आप मुझे गलत मत समझिए, यानी कि ये रिश्वत नहीं है मैडम, एक गरीब की तरफ से मामूली नजराना है, प्रेम से लाया हूँ। क्यों बेचारे का दिल तोड़ रही है? लाओ बेटा लाओ, हमें दो, ये भी डाल दो, ये भी। हाँ शाबाश। अरे हाँ बेटी, मेरी भगवत गीता लाई? अरे दद्दा, तुम रहने भी दे, तू ही तो कह रही थी कि नौकरी मिलते ही मैं भगवत गीता लाऊंगी। नौकरी मिलते ही? जरा सी सनकी हुई है। ओ दीदी, दीदी मेरे लिए स्किपिंग रोप दी, दीदी मेरे लिए क्रिकेट बैट। अच्छा बाबा, सब ला दूंगी, तुम लोग अंदर जाओ ना प्लीज। क्यों तंग कर रहे हो बेचारी को, पहली तनख्वाह मिलते ही ला देगी। हाँ। चलो अंदर चलो। पहली तनख्वाह मिलती? पहली तारीख को तनख्वाह लाती हूँ ना मैं, इसलिए पहली तनख्वाह कह रही थी। साधना जी जी, मुझे पूरी उम्मीद है, यानी कि आप मेरा ये काम जरूर करवा दें। मैंने आपसे कह दिया ना, मैं आपको ये नौकरी जरूर दिलवाऊंगी। आप चलता हूँ, चलता हूँ। सुनिए जी, आप वो मुसम्बिया खाना मत भूलिएगा, बहुत मीठी है, सच कह रहा हूँ। जरूर खाऊंगी मैं। अब आप मेहरबानी करके। हाय साधना। हाय उर्वशी, इनसे मिलो, ये है मिस्टर राम।
एम कॉम। अब इनको रिजेक्ट करके एक सेकंड क्लास बीए लड़की रख ली गई। बताइए सिफारिश। मिस्टर राम इनसे मिलिए, यह मेरे एक लौती सहेली उर्वशी, जो बात मैं दुनिया से छुपाना चाहती हूँ उसे हिफाजत के लिए इसके पास रख देती हूँ। एक नंबर की झूठी है ये मिस्टर राम। अरे मेरे पेट में तो कोई बात रुकती नहीं। हाँ साधना, तुम्हारे इंटरव्यू का क्या हुआ? इंटरव्यू? प्रेस इंटरव्यू। देवी जी, आप जरा मेरी नौकरी के लिए इनसे सिफारिश कर दीजिए ना, मैं आपके लिए भी मौसम्बियां और कश्मीरी सेब लेकर आऊंगा। नमस्ते राम जी। नमस्ते, जा रहा हूँ। नमस्ते जी। नमस्ते। उफ, ये क्या चक्कर है भाई, नौकरियां ढूंढते ढूंढते तुम नौकरियां दिलवाने भी लगी हो। अरे क्या बताऊं यार, एमए एमकॉम होने का मतलब ये तो नहीं ना कि आदमी अकलमंद भी हो। इसके मुकाबले में जो सेकंड क्लास बीए लड़की रख ली गई वो कोई और नहीं, साक्षात मैं ही हूँ। जी मैंने सोचा कि इसके होते हुए मुझे तो नौकरी मिलने वाली नहीं, तो मैं बड़े इत्मीनान से इसके सामने गई, तो घबरा के खड़ा हो गया और कहने लगा, गुड मॉर्निंग मैम। अरे विमली नटू, ये बैट और स्केटिंग रोप कहाँ से आया? मुसंदी वाले अंकल ने दिए। क्या? हाँ दीदी। ये रही आपकी भगवत गीता। अरे भगवत गीता, बड़ा अच्छा किया बेटा जो ले आए, साधना से तो कहते कहते थक गई। हाँ दादा, आखिरी दिन के युद्ध में भगवत गीता के अंतिम अध्याय में अच्छा भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि नौकरी चाहिए तो रिश्वत देनी चाहिए। अरे नमस्ते मैडम। ये नमस्ते वहां से रहने दीजिए, वो बैट और स्किपिंग रोप लाने के लिए किसने कहा था आपसे? अरे आप नाराज क्यों हो रही हैं? यानी कि मैं आपके लिए तो कुछ नहीं लाया ना, उस दिन बच्चे जिद कर रहे थे तो ले आया, और दादा के लिए भगवत गीता भी लाया हूँ। देखिए ना, आपके भाई बहन मेरे भाई बहन जैसे हैं, और आपकी दादा मेरी दादा, क्यों दादा? हाँ, क्यों नहीं बेटा। देखिए आप खुद नौकरी की तलाश में हैं, आप इन बेकार चीजों पर पैसे क्यों बर्बाद कर रहे हैं? देखिए मैडम, आप मुझे गलत मत समझिए, ये रिश्वत नहीं है, ये तो इस गरीब की तरफ से एक मामूली सी भेंट है, बच्चों के लिए और दादा के लिए। वैसे आप किसी भी हालत में ये नौकरी मुझे दिलवा ही दीजिए, मालिक आपकी बात टाल थोड़ी सकते हैं, यानी कि आपके सिर्फ दो लफ्ज खर्च होंगे और मेरी जिंदगी बन जाएगी ना। जी अच्छा, अब आप हाँ, चलता हूँ। अच्छा दादा, चलता हूँ। एक छोटी सी बात सुन लीजिए जी, भगवत गीता में बहुत ज्ञान की बातें हैं, जरूर पढ़िएगा। जी अच्छा, जरूर पढ़ूंगी। अब आप जाएंगे या? एक छोटी सी बात और सुन लीजिए, ये जो कूदने की रस्सी है ना, ये सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, इससे जिस्म फुर्तीला और चुस्त रहता है, जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। ओफो, जाता हूँ। एक आखिरी छोटी सी बात सुन लीजिए, जिस नौकरी की आपसे बात की थी ना, उसके लिए सिर्फ 3 दिन रह गए, चलता हूँ। ओफ, अजीब चिपको आदमी है, पीछा नहीं छोड़ता। Excuse me. क्या है? आप तो इस दफ्तर में बहुत पुराने हैं ना, आप जरा ये बता सकते हैं कि इस ऑफिस में एक हफ्ते के अंदर अंदर कोई जगह खाली होने वाली है क्या? मालूम नहीं, क्या हो रहा है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, क्या बात है? कुछ नहीं, एक आदमी को नौकरी दिलवानी है, इसलिए जरा पता कर रही थी कोई नौकरी खाली होने वाली है क्या। हाँ बुलवा लो, नौकरी दे दूंगा। रियली सर? थैंक यू वेरी मच सर। सर कौन सी नौकरी देंगे आप? तुम्हें निकाल कर तुम्हारी जगह उसे रख लूंगा। जी अभी तुम्हें दफ्तर में आए हुए एक हफ्ता भी नहीं हुआ और दूसरों को नौकरी दिला रही हो, देखो ठीक तरह से काम करना है करो, अदरवाइज आई डिसमिस यू, समझी? कम ऑन डू योर वर्क। मोहम्मद गजनी ने भारत पर 17 बार हमला किया और उस हमले की वजह से मैडम बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, लगता अपना नसीब ही खराब है, आप पर कितना विश्वास था मेरा, लेकिन यह तख्ता ही उलट गया। जी हाँ, मगर हुआ क्या? देखिए मैडम, आपकी कंपनी में जो नौकरी खाली है उसका इश्तेहार पेपर में छप गया, ये देखिए। देखिए आपने मुझसे वादा किया था कि अपने मालिक से बात करके ये नौकरी मुझे दिलवा देंगे, अब ये इश्तेहार देखकर कोई बड़ी सिफारिश लेकर पहुंच गया तो यानी कि मैं तो गया ना 12 के भाव में। आप फिक्र क्यों करते हैं मिस्टर राम, ये इश्तेहार तो मैंने ही भेजा था अखबार में। हाँ दिखावे के लिए सब कुछ करना पड़ता है ना। जी आप इंटरव्यू के लिए आ जाइए, बाकी सब कुछ मैं संभालूंगी। देखिए मैडम, मैं मुसंबी लाया, दादी के लिए भगवत गीता लाया, नट्टू के लिए बैट और बिमली के लिए कूदने की रस्सी लाया, इसलिए ये नौकरी आपको मुझे ही दिलानी चाहिए।
ये मैं नहीं कहता, यानी कि ऐसी गुस्ताखी तो मैं कर ही नहीं सकता ना, लेकिन अगर आप ठंडे और नरम दिल से मेरी हालत पर गौर करें तो मुझे पूरा यकीन है कि आप ये नौकरी मुझे दिलाकर ही दम लेंगी। अरे बच्चों चुप क्यों, बोलो ना अपनी दीदी को। हाँ हाँ बेटी, इसे नौकरी दिला दो ना। देखा आपने, सुना आपने, सब मेरी सिफारिश कर रहे हैं। अगर आपने मुझे नौकरी ना दिलवाई तो इनका दिल तो यानी के टूट ही जाएगा ना। अच्छा बाबा कह दिया ना, समझ लीजिए आपकी नौकरी पक्की। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। ए, ये क्या कर रहे हैं आप? ये हाथ मेरी तकदीर लिख रहे हैं, तो यानी के इनकी पप्पी लेने जा रहा हूँ। पप्पी? आप इसे रिश्वत ना समझिए, एक तरह से यानी के ये तो मेरा कर्तव्य हो गया ना। मिस्टर राम, अगर आप नहीं चाहती तो नहीं लेता पप्पी। सोचा मेरी ये छोटी सी भेंट शायद आपको पसंद आ जाए, इसीलिए बस इसीलिए। हाँ चलो विमली नट्टू, तुम लोग नहा धो के तैयार हो जाओ। थैंक यू नट्टू, थैंक यू विमली, थैंक यू दादा, थैंक यू सो मच। आ गए उर्वशी जी, बड़े अच्छे मौके पर आई हैं आप, आपकी सिफारिश फल गई मुझे, ये मुझे नौकरी दिलवा रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अरे ये तो तेरे पीछे ही पड़ गया यार। क्या करूं यार, बोल के फंस गई, पिंडी नहीं छोड़ता। अरे इसके छोड़, तू अपनी सुना। जीजा जी कैसे लगे रात? कल हम लोग हनीमून के लिए कश्मीर। शाबाश यार, तू तो बड़ी चंट निकली, खाते कमाते लड़के से प्यार और शादी करने का यही तो फायदा है। वाह यार, पता नहीं मेरा दिन कब बदलेंगे। अब तो पिताजी भी रिटायर होके घर आ रहे हैं। दिल छोटा मत कर जानू, सब ठीक हो जाएगा, जिंदगी हमेशा एक जैसी थोड़ी रहती है। सही बात है। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे कुछ खरीदारी करनी है। अच्छा बाय। ओके बाय। देख रही है ना, मेरी हालत तो पतली हुई जा रही है साधना जी। अरे घबराहट से मरे क्यों जा रहे हो? किसी चतुर्वेदी की सिफारिश तो नहीं आई ना? नहीं। आपने बहुत से मेरे बारे में कह दिया है ना? हाँ भाई, कह दिया कि श्री राम कुमार MA MCOM को ही रखना है इस बार। बॉस तो यानी कि आपकी बात टाल ही नहीं सकेंगे ना। आज शाम को आपको मिठाई खिलानी। हाँ जरूर जरूर। अच्छा सुनिए सुनिए जी, यहाँ राम कुमार MA MCOM एक और भी है। ओह, कहीं कंफ्यूजन हो गया तो बंटा धार हो जाएगा। आप बॉस से जाकर कहिए आसमानी शर्ट, तत्तरे की आसमानी शर्ट वाला एक और भी है। आप बॉस से जाकर ये कहिए आसमानी शर्ट, नीली पैंट, टीके वाले राम कुमार MA MCOM को ही रखिए। और सुनिए टीके में चावल भी लगे हुए हैं। ओके क्या 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 याद आया? आसमानी शर्ट, नीली पैंट और टीके वाला राम कुमार है ना? करेक्ट। अरे हाँ, टीके पे चावल भी लगे हुए हैं। हाँ जरूर बोलिए। अच्छा गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, प्लीज सिट डाउन। थैंक यू सर। राम कुमार MA MCOM। मिस्टर राम कुमार, निरोध के बारे में आपका क्या ख्याल है? निरोध? वो तो परिवार की बढ़ती को रोकने का एक साधन है। गुड। आपको मालूम है कि निरोध कैसे इस्तेमाल करते हैं? मैं तो ब्रह्मचारी हूं ना सर, प्रैक्टिकल नॉलेज तो यानी कि है नहीं ना, लेकिन जो विज्ञापनों में बताया गया है वो अवश्य जानता हूं। वेरी गुड। मिस्टर राम कुमार, इतनी बड़ी कंपनी में और ऐसे इंपॉर्टेंट इंटरव्यू में मैं आपसे निरोध के बारे में सवाल कर रहा हूं, ये तो मेरी बहुत बड़ी बेवकूफी हुई ना? बिल्कुल नहीं सर, मैं तो ऐसा नहीं समझता, ये तो बड़ी अकलमंदी का सवाल है। वो कैसे? ये तो यानी के सामने की बात है ना सर, आदमी जब नौकरी ज्वाइन करता है तो ब्रह्मचारी होता है,
और नौकरी मिलते ही शादी कर लेता है, और शादी के बाद तो यानी कि लाइन डोरी लग जाती है ना सर, दे बच्चे पे बच्चे, बच्चे पे बच्चे, बच्चे पे बच्चे। परंतु यदि शादी से पहले ही निरोध का उपयोग मालूम हो तो गिनती काबू में रहती है, नहीं तो फौज खड़ी हो जाती बच्चों की, फिर पिताजी का सारा समय तनख्वाह की बढ़ोतरी के लिए और हड़ताल करने में गुजरने लगता है, यानी कि काम ठप, काम ठप तो फिर देश ठप। Fantastic, you're intelligent. Congratulations, you're appointed. Thank you sir, thank you very much. Okay. बेटा, ये मेरा बेटा गिरधारी है, अभी रिटायर होकर आया है। जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें सुखी रख। मेरा नाम राम कुमार है, MA MCOM। अरे पिताजी, अरे आप कब आए? अरे अभी अभी। कैसे? मुबारक हो साधना जी, मुबारक हो, मुझे नौकरी मिल गई। जी जी हाँ, प्लीज इस मिठाई के डिब्बे का आप उद्घाटन कीजिए, प्लीज लीजिए ना। मुबारक हो। सलाम साहब। सलाम साहब, आप बहुत नसीब वाले हैं, कुछ ही दिन पहले आप कलर्की के इंटरव्यू के लिए आए थे, और अच्छा ही हुआ कि इंटरव्यू दिए बिना ही चले गए, नहीं तो इस कुर्सी पे आज कोई और दिखाई देता। पर भगवान बहुत मेहरबान है। हाँ, भगवान की मेहरबानी तो है ही, पर कुछ मेहरबानी साधना जी की भी हुई ना। साधना जी की? हाँ, 1/3 भगवान की दया, 2/3 साधना जी की। वो मालिक से मेरे लिए बहुत लड़ी, बड़ी तगड़ी सिफारिश की। जी हाँ। अरे साहब, इस ऑफिस में आप सिफारिश का नाम ही ना लीजिए, और फिर ये साधना जी क्या सिफारिश करेंगी? अरे भाई, वो मैनेजर हैं, सिफारिश तो कर ही सकती है ना। कहा है कि मैनेजर साहब क्लर्क है, आप तो ये समझिए कि आपके चले जाने से उनको नौकरी मिली और अब वो सिफारिश भी करने लगी। ऐसी ऐसा करो, तुम साधना से जाकर कहो कि असिस्टेंट मैनेजर साहब बुला रहे हैं। अच्छा साहब। हेलो मिस्टर राम। आइए आइए साधना जी, बैठिए ना। अरे आप खड़े क्यों हो गए, बैठिए ना। यानी कि आप भी कमाल करती हैं। जी हाँ, आपकी सिफारिश से मुझे नौकरी मिली, यानी कि आपके सामने बैठा कैसे रह सकता हूँ। मैं कोई मिनिस्टर तो हूँ नहीं कि कुर्सी से चिपक जाऊँ, ना ही मेरी याददाश्त इतनी खराब है कि नौकरी मिलते ही ये भूल जाऊँ कि आपने मेरे लिए क्या नहीं किया। मुझे तो एक एक बात मुंह ज़बानी याद है। जी हाँ। अरे छोड़िए भी, बस सिर्फ एक बात का ख्याल रखिएगा कि मेरा नाम बदनाम न हो। ये तो हो ही नहीं सकता ना। क्या ढूंढ रहे हैं आप? मैं तो यानी कि कोई ठोस सी चीज आपके हाथ में थमा देना चाहता हूँ, लेकिन कुछ मिल ही नहीं रहा ना। डोंट वरी डोंट वरी, कोई बात नहीं। गेट अप। आई से गेट अप। यानी कि खड़े हो जाओ। लेकिन मिस्टर राम। यानी कि बंद हो जाओ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझे धोखा दिया, मुझे? हाँ? बट मिस्टर। व्हाट मिस्टर? सर कहो सर, रोज मुसंबी खाएंगी, खिलाता हूँ आप। जी हाँ, मैं रोज सुबह शाम कुत्तों की तरह दूध मिलाता रहा हूँ। कह रही थी हमारे जैसे सिंसियर लोगों को हिंदुस्तान में नहीं जापान में पैदा होना चाहिए था। मुझे नौकरी न मिलने के दुख में मैनेजरी से इस्तीफा दे रही थी। दद्दा को भगवत गीता चाहिए, बिमली को कूदने की रस्सी, और नट्टू को क्रिकेट बैट। बोलिए बोलिए, मेरे बाप ने तो घर में पैसों का पेड़ लगा रखा था ना, कि मैं रोज तोड़ तोड़ कर आपके लिए मुसंबी लाया करता था। आपको मालूम है पिछले दिनों में आपकी सेहत कितनी इंप्रूव हो गई है, देखिए देखिए। पर मेरी तो साइकिल बिक गई ना। जी हाँ, किसी की जान गई और आपकी अदा ठहरी। अरे अरे, क्या कर दे? बंद करो ये रोना धोना। अब तक तुम पर मेरे 280 रुपए 82 पैसे खर्च हुए हैं। तुम्हारे टिश्यू की रोशनी से नोट तो नहीं छप जाएंगे ना? मेरे पैसे निकालो और मेज पर रख दो। अभी तो मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं थोड़ी थोड़ी करके दे दूंगी। तो फिर जो मैं कहूंगा करना पड़ेगा, करोगी ना? हाँ। जो भी कहूंगा? हाँ। तो फिर जल्दी से इस गाल पर पप्पी दे दो। हाँ।
तड़प के मरते, तड़प तड़प के जीते, तड़प तड़प के मरते, और हम क्या करते? हम तुमसे प्यार न करते तो तुम क्या करते? हम तुमसे प्यार न करते तो तुम क्या करते? तड़प तड़प के जीते, तड़प तड़प के मरते, तड़प तड़प के जीते, तड़प तड़प के मरते, और हम क्या करते? हमसे ना मिलते तो हम तुमसे मिल जाते, तुम हमसे ना मिलते तो हम तुमसे मिल जाते, इन फूलों को खिलना था पतझड़ में खिल जाते। तड़प तड़प के जीते, तड़प तड़प के मरते, तड़प तड़प के जीते, तड़प तड़प के मरते, और हम क्या करते? बिजली ना चमके, ओ जब तक बिजली ना चमके, बादल नहीं बरसता, ओ सारे प्रेमी तकते हैं एक दूजे का रसता, सारे प्रेमी तकते हैं एक दूजे का रसता, पर हम इंतजार न करते तो तुम क्या करते? पर हम इंतजार न करते तो तुम क्या करते? तड़प तड़प के जीते, तड़प तड़प के मरते, तड़प तड़प के जीते, तड़प तड़प के मरते, और हम क्या करते? बस यहाँ 10 मिनट रुकेगी, जिसको चाय वाय पीनी हो वो उतर ले। चलो भाई चाय चल पीने। चाय पीने। अब पीने मेरे सामान का ध्यान रखियो। चाय पियेंगे साहब? आइना क्या बात है? बाथरूम। बाथरूम? अरे साहब यहाँ बाथरूम बाथरूम कुछ नहीं है। अरे खुली जगह है, अंधेरे में कहीं बैठ लीजिए, इधर चले जाइए जाइए जाइए। अजीब आदमी। मैं यहाँ किसी और काम से आया था, इसके लिए। अरे चुप जाइए, चुप जाइए ना। अरे भगत कहाँ है? हम जाएंगे ना डाली तुम्हारे हम। खुला जगह में मार। अरे रुक जाइए। रुक जा। क्या बदमाश हो? नाश, हमारी बहन को छेड़क रहा। अरे अभी चाकू मार के तुम्हारा तड़ी बाहर निकाल दी। आपको गलत फहमी हुई है, मैं इसके लिए गया था। झूठ बोला था। क्या कर रहे हो? क्या
बात है, क्या बात है? अरे भैया बहुत डामिस आदमी है। अरे भैया हमार बहन नहाई रही और चले गए ससुरवा ताक झांक करे के लिए। इन्हें गलत फहमी हुई है, मैं इसके लिए गया था वहाँ, आपने तो मुझे भेजा था। अरे भाई ये तो जाती है आपकी जाती। अरे अभी पहलवान ये ठीक कह रहे हैं, मैंने इनको उधर भेजा था इसके लिए। चलो जाओ 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 जाओ। नहीं यार छोड़ो तो आया था तो, लेकिन क्या करूं, थिएटर जो एयर कंडीशन है बहुत ठंडा है। क्या है तो जाओ ना। डालिंग वो, अरे हाथ हाथ लगाता है। माफ करना बहन जी, मैंने आपको अपनी पत्नी समझा था। अरे तेरे मुंह में खाक पड़े, बड़ा आया पत्नी समझने वाला। अरे देखो तो भाई रामो, अरे मुझे छोड़ता है, भाई रामो को छोड़ता है, हाथ लगाता है। अरे मार दे इनको। अरे मगर हुआ क्या? माफ करना बहन जी, इनको अंधेरे में दिखा नहीं होगा, ये मेरे पति है। तुम्हारे पति है तो खूंटे से बांध के रखो। इधर आओ, अरे यार जल्दी करो ना, यानी कि तुम तो कमाल ही करते हो ना डार्लिंग। जी नहीं, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। सवाल? नहीं नहीं, ये भी कोई सवाल पूछने का वक्त है? मैंने तो आज तक किसी को अपनी सीट भूलते नहीं देखा, बस लड़की देखी और चिपक गए। वो लड़की थी, मेरे बाप से ब्याह होती ना तो मेरी माँ होती। अरे अंधेरे में इतना कहाँ सुझा होगा, चूड़ियों की खनक सुनकर मुरली होगे। मैं पूछता हूँ तुम्हारी अकल को क्या हो गया डार्लिंग, यानी के जिसके पास तुम्हारी खूबसूरती का नोट हो उसे हुस्न की रेजगारी के पीछे भागने की क्या जरूरत है? हा? सच कह रहे हो 100%। यानी कि जो मुझे ताक झांक का चस्का होता तो सिनेमा जाने की क्या जरूरत थी। हमारे सामने वाले घर में एक चांद सी लड़की रहती है। अरे वो लड़की नहीं, मलाई की बर्फ है, मलाई की बर्फ। सब लोग उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हैं, पर क्या मैंने उसकी तरफ कभी देखा? नीचे वाले घर में रिंकू नाम की एक नौकरानी रहती है, उसकी जवानी 6 महीने से 1 दिन ज्यादा पुरानी नहीं होगी, लेकिन मैंने तो उसकी तरफ देखा ही नहीं ना डार्लिंग। और वो दो घर छोड़कर एक मिस रहती है, क्या नाम है उसका? हाँ मालाशाह, मृग नयनी मृग लोचनी। पर मैंने तो आज तक उसकी तरफ भी नहीं देखा ना। देखा ही नहीं तो पता कैसे है? जनरल नॉलेज डार्लिंग, जनरल नॉलेज। अरे तुम्हारी आंखें हैं क्या राजनीति, जब देखो किसी और तरफ भटकती निकल जाती है। देखो देखो अब तो ये तुम्हारी ज्यादती है ना। डार्लिंग
पता नहीं कितनी लड़कियों की बदबू आ रही है। देखो साधना, आज मैं बहुत अच्छे मूड में हूं, मेरा मूड मत खराब करो। ऊपर आ जाओ ना। तुम्हें देख के मुझे घिन आने लगी है। मुझे भी तुम्हें देखकर घिन आने लगी है। मैं बाहर जा रहा हूं, मैं बाहर जा रहा हूं। हाँ हाँ जाओ, जाके मलाई की बर्फ, रिंकू और मृग रैनी को गले लगाओ। हाँ हाँ, तीनों को गले लगाऊंगा। जब हाथ जोड़कर बुलाओगी तब भी आधे घंटे के बाद आऊंगा। हाँ मैं कोई सेक्स का गुलाम नहीं हूं, पर पति का भी कोई कर्तव्य होता आखिर। अरे कान खोलकर सुन लो, चिल्ला चिल्ला कर बुलाओगी तो भी नहीं आऊंगा। हाँ सोने जा रहा हूं मैं। चाचा। चाचा। छी छी छी, इस बुढ़िया पे भी चालू हो गए। पुरानी शराब की तो बात ही और होती है ना। तुम अंदर चलो। नहीं 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 नहीं, यहाँ मौसम बहुत अच्छा है। मैं कह रही हूँ अंदर चलो, हद हो गई। रात को भी ताका झांकी, कोई और नहीं मेरे तो बुढ़िया से ही। चलो अंदर। नहीं देखो देखो, मैं कहती हूँ अंदर चलो, रे तो खून खराब हो जाएगा। हाँ चलो। ओह हद हो गई। अरे 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 क्या कर रही हो? चलो लेट हो। अगर तुम ऊपर नहीं आई तो मैं नीचे आ जाऊंगा। वाह 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 वाह, क्या प्यार जता रहे हो। अगर इतना ही प्यार करते हो तो इधर उधर ताक झांक करने की क्या जरूरत थी। देखो डार्लिंग, तुम्हें गलत फहमी हुई है। मैं जिसे इशारा कर रहा था वो तो एक छोटी सी बच्ची थी। ये तो मेरी बदकिस्मती है कि जब तुमने देखा तो बुढ़िया आ गई। तो फिर वो तीनों लड़कियां? अरे भाई मैं तो तुम्हें छेड़ रहा था उन लड़कियों का नाम लेकर। चलो यहां बैठो। आओ, मेरा किसी लड़की के साथ कोई नाजायज रिश्ता नहीं है। आई लव ओनली यू डार्लिंग। तो फिर मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाओ कि तुमने किसी और लड़की के साथ कोई गड़बड़ नहीं की। तुम्हारी कसम, मैंने तुम्हारे सिवा किसी लड़की के साथ गड़बड़ नहीं की। लेकिन ये तुम पर हमेशा शक का भूत क्यों सवार रहता डार्लिंग? साधना क्या क्या हुआ डार्लिंग? राम, तुम तो सवेरे सवेरे ऑफिस चले जाते हो ना, मैं अकेली रह जाती हूँ। फिर मेरा अकेला दिमाग भटकने लगता है, हजार तरह के ख्याल आते। राम राम, तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। मैं अपना प्यार किसी के साथ नहीं बांट सकती राम, किसी के साथ नहीं बांट सकती। राम, अगर तुमने कोई गड़बड़ की ना तो मैं सच कहती हूँ, मैं जिंदा नहीं रहूंगी राम, मैं मर जाऊंगी। नहीं डालेंगे, रो मत साधना, तुम तो मेरी जान हो डालेंगे, मेरी जान हो। राम डालिंग, ये रही तुम्हारे सामान की लिस्ट। आते वक्त इसे देखकर पैकिंग करना, नहीं तो आधी चीजें वहीं भूल जाओगे। हाँ, ये रही हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा यानी कि? अगर तुम्हारी आंखें भटकने लगे तो इसमें लगा लेना। सोने से पहले दूध पीना मत भूलना, और रात को देर तक जागने की कोई जरूरत नहीं। और हाँ, किसी अनशन होटल में मत रहना, और रोज रात को मुझे फोन करना। ओले
तुम्हारा चेहरा क्यों उतला हुआ है? तुम्हारा क्या है, तुम तो आराम से सो जाया करोगी, मुसीबत तो मेरी है। रोज रात को तुम्हारे साथ सोता हूँ ना डार्लिंग, अकेले कैसे सोऊंगा? इस बार संभाल लो, अगली बार मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। हाँ? अब मुश्किल दो ये एक जरा सी यानी के नन्नी मुन्नी सी गड़बड़ कर दूं। बिल्ली का ध्यान हर वक्त, अब जाओ भी नहीं तो तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। जाओ बाय बाय। सर 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 होटल सर होटल होटल। हाँ सर, होम अवे फ्रॉम होम, चिंता की कोई बात नहीं, घर से दूर घर, होटल स्वर्ग। होटल स्वर्ग? हाँ सर, खर्चा 2 स्टार का, आराम 5 स्टार का, मतलब खर्चा कम आराम ज्यादा, और रूम के अंदर 24 घंटा पानी गरम ठंडा, जब भी नल खोलो नल चालू है पानी आता है, उसमें चिंता की कोई बात नहीं है। अटैच बाथरूम, उसके लिए बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, और नॉनवेज वेजिटेरियन खाना, मतलब शाकाहारी मांसाहारी उसके साथ, इंडियन साउथ इंडियन कॉन्टिनेंटल चाइनीज खाना, खाली 20 मिनट का नोटिस दो, खाना हाजिर है, और लोकेलिटी भी बड़ी पॉश है ना। यानी के लोकेलिटी तो पॉश होनी चाहिए ना डार्लिंग, उसके बिना काम नहीं चलेगा। बहुत अच्छा साहब है, चलिए। अच्छा जी नमस्ते। हेलो श्योर। अरे साहब का सामान ले जाओ ना। नमस्ते साहब, कोई चिंता का बात नहीं। थैंक यू। जूली हमारा कमीशन दो बड़ी। देना पड़ेगा। अरे तुम कमीशन नहीं देगा तो हमारा घर कैसे चलेगा? 20 रुपए से काम नहीं चलेगा, 5 स्टार का घेरा काम 2 स्टार में लेकर आया, और दो। साहब डिनर रेडी है साहब। रख दो। साहब। हाँ साहब, और कुछ चाहिए? नहीं ये काफी है। और कुछ लीजिए ना साहब। ये और कुछ क्या होता है? मेरा मतलब है साहब, पंजाब की, गुजरात की, यूपी की, बिहार की, उड़ीसा की, केरल की भी मिलती है साहब। काफी स्मार्ट आदमी हो, होटल में काम करने के साथ साथ लॉटरी की टिकट भी बेचते हो। हा? अरे आप तो मजाक करने लगे साहब, मैं लॉटरी की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ हर जगह की लड़कियाँ मिलती हैं। यानी कि तुम समझते क्यों? हाँ? मैं एक रेस्पेक्टेबल शादीशुदा आदमी हूँ। आप मेरी बात तो सुनिए, एक बदमाशी का। ए, हाँ, आज रात इसको पटाते हैं। हाँ हाँ चलो पटाते हैं। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। हाँ हाँ बात बन जाए। ये साहब तो खिड़की भी नहीं खोलता, सो रहा है शायद। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, बात बन जाए। अरे हाँ चलो उस गोबर गणेश को पटाए। हाँ चलो। कौन? आंख मारना जो पूछिए तो यानी कि मुझे भी आता है। जी हाँ, लेकिन मैं मारूंगा नहीं। या तो अब तो आ जा, शोला सावन धन के आंखें बुझा जा, तन की ज्वाला ठंडी हो जा, ऐसे गले। देखा देखा इनकी बेशर्मी, अब क्या करूं। हनुमान चालीसा। हाँ, करेक्ट, करेक्ट। तू है बाल ब्रह्मचारी, मैं हूँ कन्या कुमारी, तू है बाल ब्रह्मचारी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, कपि से तीनों लोग उजागर, रामो तू चुड़िया संग रामो तुलित अतुलित बल दामा। गुड्डा मिल गया, गुड्डा मिल गया, गुड्डा मिल गया। देखा मुआ।
माचिस है आपके पास? जी मैं सिगरेट तो पीता ही नहीं ना। समझ गई, तो आप अपनी वाइफ से डरते हैं? ये किसने कहा आपसे? यानी कि वाइफ से डरने की बात ही नहीं है ना। डाल हटो, क्यों परेशान करते हो इस बेचारे को? ये विक कहां से बना है? ये मेरे अपने बाल हैं जनाब, यानी कि मैं कभी कोई नकली चीज इस्तेमाल ही नहीं करता ना। हाय कैसे सुंदर बाल है, जिंदा जवान मर्दानी, यू आर अ परफेक्ट ह्यूमन। आप जिसे पसंद करते हैं ले जाइए, हम बुरा नहीं मानेंगे। चलिए चलिए। देखिए आप लोग बुरा मत मानिए। नहीं 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 नहीं। साहब आपका ट्रंकाल है। ट्रंकाल? हेलो हेलो, मैं बोल रही हूँ। कैसा है डार्लिंग? वक्त पे खा रहे हो ना? वक्त पे सोना, गर्म पानी पीना और गर्म पानी से नहाना, और खाना भी किसी अच्छे होटल में खाना। हाँ सुनो, अगर धूप में निकलना हो ना तो छतरी खरीद लेना, नहीं तो काले हो जाओगे। कोई गड़बड़ तो नहीं की? हनुमान चालीसा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी ना? अरे कमाल है, मैं ही बोली जा रही हूँ, तुम भी कुछ बोलो ना। तुम धड़ाधड़ बोलती जा रही हो तो यानी कि मैं कैसे बोलूं? तुम अपने ध्यान रखना डार्लिंग, वक्त पर खाना, वक्त पर सोना। मैं कल आ रहा हूँ, ओके? फोन रख दूं? अरे घोड़े पर क्यों सवार हो, इतनी देर बोलती रही, गर्मा गर्म कुछ नहीं मिलेगा। तुम समझती क्यों नहीं डार्लिंग, फोन कमरे में नहीं है, मैं रिसेप्शन से बात कर रहा हूँ। किसी के होते हुए भला? रिसेप्शन हुआ तो क्या हुआ, कोई और थोड़ी हूँ, पत्नी हूँ तुम्हारी, दो। अच्छा वो चली गई। कौन चली गई? बिजली। अजीब शहर है डार्लिंग, हर आधे घंटे के बाद बिजली चली जाती है। हाँ तो यानी के मैं अंदर में फंस गया ना डार्लिंग। अब लो, नाइट नाइट, लव यू डार्लिंग, गुड नाइट। महीने में दो बार रेड करता हूँ लेकिन ये ठंडा ठंडा होता ही नहीं, ऐसा लगता है कि रोज रेड करना पड़ेगा। वाह वाह क्या नाटक है। माचिस है आपके पास? जी जी, मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ। आप क्या करते हैं? यानी कि मैं LSM कंपनी में मैनेजर हूँ, ऑफिस के काम से आया था। बहुत खूब, आप मैनेजर होकर ऐसे घटिया होटल में रहते हैं, वाह। हवलदार माचिस है? जा रहे हैं सर, फिर कब आना होगा? वो तो पता नहीं, जो आया भी तो यानी कि यहाँ ठहरने का सवाल ही पैदा नहीं होता ना। मैं अभी जा रहा हूँ स्टेशन, रात वेटिंग रूम में गुजार लूंगा। आपकी पत्नी के फोन ने आपको बचा लिया, नहीं तो आप भी अधरंगों के जुलूस में रहते इस वक्त। श्रीमती जी के लिए तोहफा ले जाना ना भूलिएगा। ठीक है ठीक है, ये लो। तैयारियां हो रही सुहाग रात जैसी? बिल्कुल, पति पत्नी के लिए हर रात सुहाग रात होनी चाहिए, तभी तो मजे है ना डार्लिंग। हाँ, वो तो है डार्लिंग। यानी के वो क्यों? यानी कि कभी कोई बात बिना कहे भी समझ लिया करो। ये तो तुम्हारी ज्यादती है ना डार्लिंग। जब मैं बोल रही हूँ तो तुम समझते क्यों नहीं? अब बोल रही हो, जब 250 रुपए की साड़ी लेकर दी थी तब नहीं बोली, अब बोल रही हो। जब मौर्या के एयर कंडीशन रेस्टोरेंट में बैठकर 96 रुपए के चिकन चक 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 करके खा गई तब नहीं बोली, अब बोल रही हो। जब 5 रुपए के फूल लेकर दिए थे तब भी नहीं बोली। अच्छा तो तुमने मुझे साड़ी दिलवाई इसलिए?
मौर्य होटल में चिकन खिलवाया इसलिए, फूल खरीद के दिए वो भी इसलिए। डाली मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो डाली, मेरी बात सुनो। अरे ये लो, ये भी लो। बस इनकी कमी भी। सर्द रातों में थाम के दिल हाथों में, सर्द सर्द रातों में थाम के दिल हाथों में मैंने तुझे याद किया। वक्त गुजर जाएगा, पनघट के पास कोई प्यासा मर जाएगा, इन फजूल बातों में।
आंखों से जिसने जाम प्यार का पिया। सर्द सर्द रातों में थाम के दिल हाथों में। मुझे जैसे ऑफिस जाना ही नहीं है ना, जरा सा हुक लगा दोगे तो तुम्हारे ऑफिस में हड़ताल नहीं हो जाएगी, समझे आप? चलो लगाओ। देखो ऑफिस टाइम में मैं ना हुक लगाऊं न खोलो। जी हाँ। तुम साधना? अरे ये तो उर्वशी लगती है। एक मिनट आई। राम हद कर दी हम लोगों ने, बेचारे के पति के देहांत पर पुरसद ने बनारस तक नहीं जा पाए। अब दो मिनट ठीक से बात कर लेना उसे। हाँ चलो लगा दो ना। ओफो, जब देखो यही बात यही बात। ये तो हद हो गई ना, अपना हर काम करवा लेती हूँ, मेरा सिर्फ एक ही काम होता है और उसके लिए भी सौ सौ नखरे। चलो। नमस्ते उर्वशी जी। नमस्ते। कैसी हैं? बस जी रही हूँ, अपनी तरफ तो ध्यान भी नहीं जाता। छी, ऐसे चालीस बातें नहीं करते, मरने वालों के साथ चाहने वाले थोड़ी मर जाते हैं, उन्हें याद करने के लिए जिंदा रहते हैं। सुनो, इसके स्वर्गीय पति ने लाइफ पॉलिसी ली थी, अब ये LIC वाले एक एक बाल की खाल निकाल रहे हैं। डार्लिंग तुम इसका काम करवा दो ना, अब ये बेचारी कहाँ ऑफिस ऑफिस धक्के खाती फिरेगी। मैं तो ये काम करने से इनकार कर ही नहीं सकता ना। लेकिन इस महीने सर उठाने की फुर्सत नहीं है, ऐसा करते हैं। ऐसा करते हैं ना वैसा, तुम ऑफिस से दो दिन की छुट्टी ले लो और इसका काम करवा दो। अब इस बेचारे का कोई भाग दौड़ करने वाला होता तो ये हमारे पास क्यों आती। हाँ तुम इसे लेकर LIC ऑफिस जाओ, मैं तुम्हारे ऑफिस में फोन कर देती हूँ कि तुम्हें डिसेंट्री हो गई। वाह वाह वाह, कोई साफ सुथरी बीमारी तो यानी कि तुम सोच ही नहीं सकती ना, मुझे करवाओगी भी तो डिसेंट्री। अच्छा अच्छा बातें छोड़ो और उसे लेके जाओ। चलिए। अच्छा जी चलता हूँ। अरे चाय तो पीते जाइए। जी नहीं, बहुत देर हो गई है और साधना मेरा इंतजार कर रही होगी, कल सुबह 10 बजे आऊंगा, फाइल वाइल सब तैयार रखिएगा। आपको मेरी वजह से कितनी तकलीफ उठानी पड़ रही है। जी कोई तकलीफ नहीं, नमस्ते। ला मुझे तो। बड़ी देर लगा दी। देर तो लगेगी ना डालिंग, सरकार की हलक से रुपया निकलवाना कोई आसान काम थोड़ी है। तो है, अभी और कितने दिन लगेंगे? अगर उस ब्रांच मैनेजर की वाइफ के ब्रदर की सिस्टर इन लॉ के यहाँ आज डिलीवरी हो गई तो कल तक काम हो जाएगा। लेकिन उसकी डिलीवरी में यानी कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता ना डालिंग। ओ राम यू सच अ डॉल, लेकिन बेचारी उर्वशी का काम करवा ही देना। हां ओके, लेकिन अगर काम करवाना है तो जम के पप्पी की देनी चाहिए ना। तुम जल्दी सुना लो, मैं खाना लगा देती हूं। साधना कौन? मैं हूं। सॉरी, आपका हुलिया ही ऐसा है कि देखते ही हंसी आ गई। आइए अंदर आइए। अगर कोई जल्दी पहुंचने के लिए कच्ची सड़क पकड़ेगा और पास से दंदनाता ट्रक गुजर जाएगा तब तो यानी कि हुलिया ऐसे हो जाएगा ना डार्लिंग। सॉरी, जिस LIC ऑफिसर के पास जाना है उसका नाम लाला सफाई लाल है, वो तो मेरा हुलिया देखते ही लाल रोशनी से तुम्हारी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगा ना भाई। मैं जरा अपनी झाड़ पहुंच कर लूं। बाथरूम किधर है? हाँ आइए आइए, ये रहा। ये नल में पानी नहीं आ रहा। ऊपर टैंक में चढ़ाया नहीं होगा।
बाल्टी में पानी है, मैं फाइल निकालती हूँ। अच्छा। दबा के ही तो घुमा रहा हूं। अरे अच्छा छड़ी मैं आती हूं। किसी के साथ नहीं बांट सकती। अगर तुमने कोई गड़बड़ की ना तो मैं सच कहती हूं, मैं जिंदा नहीं रहूंगी राम, मैं मर जाऊंगी। तीन कैसे हो गई? बत्ती क्यों बंद हो गया? LIC का ऑफिस के रात के 12 बजे तक खुला रहता है। तुमने दारू पी है? सच बताओ, तुमने दारू पी है? यू? बताओ तुमने दारू क्यों पी है? मुझे माफ कर दो डार्लिंग, माफ कर दो। यानी कि ऐसी बात जानते बूझते तो मैं कर ही नहीं सकता था ना, इसलिए दिल का बोझ हल्का करने के लिए मैंने दारू पी। एक भूल हो गई है ना मुझसे। दिल का बोझ हल्का करने के लिए ऐसी कौन सी भूल हो गई? जिंदगी में एक ही भूल हुई है मुझसे। कैसे भूल हुई है बताओ? ये मत समझना कि मुझे मालूम नहीं पड़ेगा। यानी कि मैं नहीं बताऊंगा तो तुम्हें मालूम कैसे पड़ेगा? सिर्फ हम दोनों जानते हैं, मैं और वो कौन? वो उसका नाम तो मैं बता ही नहीं सकता ना। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो, बताओ क्या झक मारी है तुमने? मैं बता दूंगा तो तुम माफ कर दोगी ना मुझे? हाँ हाँ माफ कर दूंगी, बताओ। मुझसे और उर्वशी से? तुमसे और उर्वशी से? बोलो क्या हुआ? बोलते क्यों नहीं? हम दोनों से भूल हो गए। Thank you.
अरे हुजूर, एक बार कोई लड़की आपको देखी, अरे वो तो क्या, खानदान पर पड़े। नमस्ते लल्लू लाल जी। नमस्ते। आपकी श्रीमती जी कैसी हैं? बहुत अच्छी। अच्छी पत्नी तो नसीब वालों को ही मिलती है मीना जी। जैसे कि आपकी। हाँ, बीच में भाषण मत काटा कीजिए, भूल जाएंगे। हाँ तो लल्लू लाल जी, अच्छी पत्नी नसीब वालों को मिलती है। आगे। सुबह सवेरे जब तक मैं उनका मुंह नहीं देखता, वो आंखें नहीं खोलता। क्या बात? यानी आप आंखें बंद किए किए पहले उनका मुंह देखते हैं? जी नहीं, इनकी आंखें तो इनके हाथों पे रहती है। दो कौड़ी का चपरासी और बड़े बाबू के मुंह लगता है। सॉरी सर। और खाना तो इतना अच्छा पकाती है, इतना अच्छा पकाती है कि आप उंगलियां चाटती रह जाए। मीना जी, कभी घर पे तशरीफ लाइए ना। जरूर तशरीफ लाऊंगी, लेकिन फिलहाल आप अपनी श्रीमती जी को मेरा नमस्ते कहिएगा। शुक्रिया। नमस्ते जरूर कहिएगा हुजूर। पानी लाऊं ठंडा बर्फ मार के? जरा जल्दी 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 जल्दी। I'm sorry, madam. Hi, Meena. Hi. Come on. आज सवेरे मीना, तुम्हें पता उस बस में राम भी था। अच्छा, कुछ बात हुई उससे? मैं क्यों बात करती उससे? You are a hard stone. अगर राम साहब इसी शहर में आ गए तो मेरे ख्याल में तुम दोनों अपनी जिंदगी के बारे में एक बार फिर सोच डालो। कभी नहीं। जो आदमी मेरी सहेली तक पर हाथ साफ कर दे, वो इस लायक ही नहीं कि कोई उसके साथ जिए या मरे। चल यार, फिजूल बातें मत किया कर। नए मैनेजर आ गए। वेलकम सर, वेलकम। मैं यहाँ का हेड क्लर्क लल्लू लाल। हेलो। तशरीफ लाइए, मैं अपने स्टाफ से आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। मिस्टर पुरी अकाउंटेंट, मिस्टर दुग्गल डिस्पैच क्लर्क। आइए तशरीफ लाइए। मिस्टर तेग बहादुर अकाउंट्स, मीनाक्षी वर्मा एडमिनिस्ट्रेशन, तशरीफ लाइए। यहाँ क्यों चली हैं? रेजिग्नेशन लिख रही हूँ। क्या? अपने नए मैनेजर का नाम राम कुमार है। ओह, अगर तुम्हारी जिंदगी में उसका कोई मतलब नहीं है तो इस्तीफा क्यों दे रही हो? मेरी जिंदगी में उसका क्या मतलब हो सकता है? तुम्हारी जिंदगी में उसके दो मतलब हैं। पहला तो ये कि वो राजू का बाप है, और दूसरा ये कि तुम अब भी उससे प्यार करती हो। What rubbish! मैं उससे नफरत करती हूँ। ये तुम्हारा ख्याल है, और तुम्हारा ख्याल गलत है। हम एक दूसरे को 3 साल से जानते हैं। कोई एक दिन भी ऐसा गुजरा है जब तुमने किसी न किसी बहाने उसका नाम न लिया हो? इससे क्या होता है? इससे ये होता है पगली कि उसे तुम्हारे दिल पे टेनेंसी राइट्स मिल गए हैं। अब वो तुम्हारा दिल कभी खाली नहीं करेगा। साधना जी, मैनेजर साहब इन वॉइसेस की फाइल मंगा रहे हैं। सोच क्या रही है? जब तेरे दिल में उसके लिए कोई जगह ही नहीं तो घबराहट किस बात की? अगर तुझ में हिम्मत है तो एक क्लार्क की तरह मैनेजर के पास फाइल लेके जा। क्यों नहीं जा सकते? क्यों नहीं जा सकती? कम इन। ये इनवॉइसेस तुम ही तैयार करते हो ना? यस सर। आर आर भर के बेचती हो ना? यस सर। इस ब्रांच का सबसे ज्यादा बिजनेस कलकत्ते की शायन कंपनी से होता है, एम आई राइट? यस सर। लगता है मुझ पर तुम्हारा गुस्सा अब तक ठंडा नहीं हुआ। शट अप सर। मैं इस दफ्तर में क्लार्क हूँ और आप मैनेजर। आप अपनी हद में रहे तो अच्छा है, नहीं तो मुझे भी अपनी हद पार करनी पड़ेगी। गुस्से की उम्र
प्यार से तो बड़ी नहीं होनी चाहिए ना। सामान निकालो। मैं यहां रहूंगा मनोहर प्रसाद। बिल्कुल साहब बिल्कुल, मगर साहब आपसे एक विनती है, मनोहर प्रसाद नहीं खाली एमपी कहिए तो मजा आ जाएगा। एमपी? हाँ, जरा रौब पड़ता है। मेरे स्वर्गीय पिताजी एमएलए कहलाते थे, मुकुंदलाल अग्रवाल। बेटा तरक्की करके एमपी तो बने, इसलिए अग्रवाल ड्रॉप कर दिया। वोट किसको देते हो? वादा सबसे करता हूँ, देता किसी को नहीं। अरे साहब जब आजादी आई तो किसी को मिनिस्ट्री मिली, किसी को ठेका, हमको क्या? हमको खाली एक वोट मिला, हम किसी को क्यों दें? कोई हमको अपनी मिनिस्ट्री देता है क्या? छोड़िए, ला भाई ला, आता हूँ। तू जा, आई 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 आई। हमको जैसे ही पता चला कि आप आ रहे हैं, हमने मैनेजर हाउस को चमचमा दिया। अर्निचर फर्नीचर सब फिट। ये गोल कमरा अर्थात ड्राइंग रूम, ये गेस्ट रूम, ये डाइनिंग हॉल, हाँ उस तरफ पूजा का कमरा और किचन। आइए इस तरफ आइए। अरे भाई बहुत भारी है। आइए आइए सर। ये बेडरूम, रूम भी और बेड भी। आइए आइए। अब एक बात बता दीजिए साहब, श्रीमती जी अगर दो चार दिन में आने वाली हूं तब तो ठीक है, नहीं तो फिर खाने का बंदोबस्त करना पड़ेगा। क्या इंतजाम कर सकते हो? कुछ भी, वैसे तो खाना मैं भी पका लेता हूँ, मटन मुर्गी मछली। नहीं नहीं रहने दो, ऐसा करो किसी अच्छे से होटल तो बंदोबस्त कर दो। हाँ वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। जी को मत देखिए सर, बहुत कड़क चीज है, नाक पे मक्खी तक बैठने नहीं देती। तुम्हारा मतलब है मैं साधना जी को देख रहा था? मैं तो साधना जी को देख ही नहीं सकता ना। हाँ वो साइकिल वाला दिख रहा है? मैं तो उसको देख रहा था। अच्छा अच्छा, वो साइकिल वाला। वो सर वो नहाने का पानी तैयार है, आप जरा नहा धो लीजिए, मैं आपके लिए बढ़िया खाना लेकर आता हूँ। यही सो गए साहब? हैं? खाना वाना कुछ नहीं खाया? कल का वो साइकिल वाला अभी तक लौटा नहीं होगा, कहीं फंस गया साला। कॉफी? मम्मी कहाँ है? जी? आना, अरे प्लीज आना, मैं तेरे को बहुत सारे चॉकलेट दूंगा। हाँ क्यों रे, इतना पिद्दी सा है और बड़ों को मारने को बोलता है, वो भी जूते से? तुम मेरे मम्मी को पूछोगे तो जूते मार मार के यानी खोपड़ी तो गंजी कर दूंगा डार्लिंग। करेक्ट करेक्ट, अब तो गलती हो गई ना डार्लिंग, ऐसा करो आज माफ कर दो, कल चॉकलेट दूंगा। कल चॉकलेट खिलाओगे ना? हाँ फिर माफ की। दैट्स गुड। तेरा नाम क्या है? राजू। अरे वाह, नाम तो एकदम फर्स्ट क्लास है, तेरी मम्मी का क्या नाम है? अरे माफ कर दे यार, बहुत गर्म है तू, हैं? इतनी गर्मी में खाता है? ठीक है ठीक है, तेरे डैडी का क्या नाम है? लपंगा।
लफंग न बनता, लफंग न बनता, लफंग न बनता। क्या हुआ? क्या हुआ बेटे? हाँ क्या हुआ? वो जो अपने सामने वाले घर में रहता है ना, उसने मुझे मारा। मारा? क्यों? पूछ रहा था कि तुम्हारे एंड के मेरे एडी का नाम क्या है, तो मैंने बता दिया। क्या नाम बताया? लफंगा, बस मानने लग गया। अब की बात पूछे तो कहना कि मेरे डैडी का नाम लफंगा नहीं, महालफंगा है। हेलो, हाँ? क्या? कब? हैं? अरे मेरे दी, बड़े बाबू, आपकी पत्नी। हाँ हाँ मेरी पत्नी, बोलो बोलो। आपकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया बड़े बाबू। हाँ, अभी हमें टेलीफोन पर आपके पड़ोसी ने बताया, वो चली गई, वो चली गई। बड़े बाबू, बड़े बाबू, बड़े बाबू, सुरेखा। अरे नहीं, अरे नहीं, बड़े बाबू क्या कर रहे हैं? बड़े बाबू कहाँ जा रहे हैं? बड़े बाबू पानी लेके लाओ, जाओ। अरे कोई डॉक्टर को बुला के लाओ जल्दी। बड़े बाबू, बड़े बाबू, बड़े बाबू होश में आइए। लल्लू लाल जी की वाइफ की डेथ हो गई सर। अरे जी क्या हुआ था? पता नहीं सर, अभी अभी फोन आया। तो ऐसा करो, आज ऑफिस बंद कर दो, और जो भी उसकी मदद कर सकते हो जाके करो। ओके सर। अरे नहीं नहीं लल्लू जी, हिम्मत मत। अरे नहीं नहीं, मेरी सुरेखा को मत ले जाओ, मैं इसके बगैर नहीं जी सकता। मेरी सुरेखा को मत ले जाओ, मुझे इससे अलग मत करो। सुरेखा, मैं तेरे घर पास आ रहा हूँ। सुरेखा रुको, मुझे मर जाने दो, मुझे मर जाने दो। मैं अपनी पत्नी के बाहर नहीं जी सकता। राजू तेरे डैडी आए हैं। डैडी? प्लीज। क्या है? इधर आओ ना, एक मिनट के लिए प्लीज। राजू आप मेरे डैडी हैं? हाँ बेटा। बकवास मत करो। मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, सच कहता हूँ, मैं तुम्हारा डैडी हूँ। मैं कैसे मानूँ बिना कोई सबूत के? मैं मान ही नहीं सकता हाँ डार्लिंग। हाँ हाँ, सबूत लाया हूँ, सबूत भी लाया हूँ। ये देख, ये कौन है? मम्मी। और ये आप? मैं क्या कर रहा हूँ? मुझे तस्वीर दिखा रहे हैं। ओफो, मैं इस मैं की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस मैं की बात कर रहा हूँ तस्वीर वाले। मैं क्या कर रहा हूँ? मेरी मम्मी को लिपटाए हुए खड़े कर रहे हैं। तब तो यानी कि मैं तुम्हारा डैडी हुआ ना डार्लिंग, ना होता तो तुम्हारी मम्मी को लिपटाता कैसे? अरे मम्मी को तो मैं भी लिपटाता हूँ, पर यानी कि मैं अपना डैडी तो नहीं हो सकता डार्लिंग। उफ, तुम्हें समझाने में वक्त लगेगा। मेरे पास वक्त नहीं है। अबे भगवान, चलो भगा के ले चलो। एक्सक्यूज मी मैडम, मुझे पहचाना? मैं आपके दफ्तर में काम करता हूँ। जानती हूँ। सुना है आप अपने पति को छोड़कर अकेली रहती हैं? बस का इंतजार कर रही हैं आप? यहाँ खड़ी होकर ट्रेन का इंतजार तो नहीं कर सकती। आज इंतजार का भी क्या कहना मैडम, इंतजार अच्छे दिनों का किया जाता है, इंतजार अच्छे मौके का किया जाता है। अब मुझे को देख लीजिए, पूरे 27 बरस का हो गया हूँ, कुंवारा हूँ, अच्छी लड़की के इंतजार में हूँ। रंग सांवला हो, बदन छरहरा हो, आंखें तीखी हो, माथे पर बिंदी हो, और हाथ में चप्पल हो। जी चप्पल देख मेरी बात सुनिए मैडम, मेरी बात सुनिए। क्या कर रही हैं आप? अरे मारी जा रही हैं आप। अरे अपनी माँ बहन की माथे की बिंदी क्यों नहीं देखता? तेरी हिम्मत कैसे पड़ी? अकेली औरत का सड़क पर पड़ा हुआ नोट है कि तू उसे उठाकर अपनी जेब में रख लेगा? कुत्ता कहीं का। क्या कर रहे हैं आप? देखिए देखिए मेरी बात सुनिए, हम घर में काम करते हैं, जानते हैं। रामू वेन टू द मार्केट। फादर आस्ट रामू। फादर क्यों रे, लिखता क्यों नहीं? बाथरूम जाना है।
फिर क्या बात है? फादर का मतलब क्या होता है? फादर मतलब पिताजी, इतना भी नहीं जानता? चल लिख। फादर आस्ट रामू। मेरे भी डैडी होंगे ना? मैं कहती हूँ लिख। मेरे डैडी कहाँ है मम्मी? जहन्नुम में। देख बक बक बंद कर और जो मैं कहती हूँ लिख चुपचाप। झूठ तो बोलना ही नहीं चाहिए ना मम्मी डार्लिंग, तुम तो इनके लड़ने में उस्ताद हो, डैडी से भी लड़ गई होगी। वाह वाह वाह, बड़ा आया डैडी की वकालत करने वाला, इतने जूते मारूंगी कि डैडी का नाम भूल जाएगा। कान खोल के सुन ले, तेरी मम्मी भी मैं हूँ और डैडी भी। चल लिख। फादर, नहीं नहीं ये लेसन नहीं। हाँ लिख, सीता इज अ विलेज गर्ल। सवेरे मैंने अपने डैडी को देखा। डैडी को देखा? कहाँ? सामने वाले घर में। वो तो मुझसे मिलने स्कूल भी आए थे ना मम्मी डार्लिंग। उनका नाम है मिस्टर राम कुमार। उसका नाम मिस्टर राम कुमार नहीं, मिस्टर गधा कुमार है, मिस्टर लफंगा कुमार है। राजू राजू वो धुक्कर कस्बा है, बच्चों को छुरा के ले जाता है, उससे दूर ही रहना, समझा? यानी कि वो? हाँ वो बच्चों को उठाकर ले जाता है और जमुना में डुबो देता है। हाँ? हाँ। आज के बाद मैं गधा कुमार से बात भी नहीं करूंगा, अगर मेरे पास आया तो उसे कहूंगा गेट लॉस्ट यू रास्कल। ये उससे उसे क्या लगा रखा है? हाँ? तेरी नौकर है क्या वो? तू तड़क से बात करता है? वो गधा कुमार दुक्कर कसवा है ना? देख राजू, फिर कभी तूने उन्हें उससे कहा ना तो तेरे सारे दांत तोड़ दूंगी। हाँ यानी कि तुमने तो कहा था कि वो दुक्कर कसवा है। अरे बार बार वही बोले जा रहे, इतनी सी उम्र में इतना करता है, बोल फिर कभी उन्हें उसे बोलेगा? बोलेगा बोलेगा बोलेगा। तुम्हें तो कह रही हूँ मेरे डैडी थे, इनमें से दुक्कर कसवा गधा कुमार बोलता हूँ तो यानी कि तुम्हें गुस्सा क्यों आता है? बोलो। नहीं नहीं मैडम, मैं तो माफी मांग रहा हूँ। अम्बरी सॉरी मैडम। अच्छा दो चार चप्पलों में ही सुधर गए? जिसके घर शादी लायक एक बहन हो उस भाई को तो बिगड़ने कोई अधिकार ही नहीं मैडम। फिर एक बीमार माँ, एक अपाहिज बाप और ले दे के मेरी अकेली तनख्वाह, यूं ही मुश्किल से गुजारा होता है। वही नौकरी चली गई तो मैं सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। और फिर तुम्हारी नौकरी क्यों जाने लगी? मैं रिपोर्ट थोड़ी करूंगी। थैंक यू वेरी मच मैडम। अरे अरे ये क्या कर रहे हो? हैप्पी बर्थडे राजू। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे राजू। थैंक्स। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे राजू। राजू डैडी डैडी हैप्पी बर्थडे टू यू बेटा। देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए। थैंक यू डैडी। चल आज हम लोग घूमने चलेंगे। ओके ला 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 ला। राजू से तुम मेरी सुलह करा दो, एक पप्पी से सारा झगड़ा मिटा दो। प्यार मैं तुम्हें दिन रात करूंगा, प्यार मैं तुम्हें दिन रात करूंगा। अच्छा मैं मम्मी से बात करूंगा, अच्छा मैं मम्मी से बात करूंगा। हे राजू भूल जाए मेरी एक भूल को, कहना भूल जाए मेरी एक भूल को। भूल? कौन सी भूल डैडी? तू नहीं समझेगा बेटा,
धूल में ना फेंके ऐसे किसी फूल को, मेरी तारीफें करना, मेरी तारीफें करना बेहिसाब तू, लेके आना कोई अच्छा सा जवाब तू। अरे रे रे मैं तुमसे कल मुलाकात करूंगा, मैं तुमसे कल मुलाकात करूंगा। मुझको छत पर टांगोगे, जुर्माना भरना होगा, एक वादा करना होगा, जुर्माना भरना होगा, एक वादा करना होगा। मम्मी को मनाओगे फिर ना उसे सताओगे, मुझको सब मंजूर है, फिर दिल्ली क्या दूर है, मुझको सब मंजूर है। किधर आ? कहाँ था तू? हाँ? मैं पागल हो गई ढूंढते। हाँ? ये कपड़े कहाँ से मिले? हाँ? बोल। डैडी ने। डैडी के बच्चे? क्या मैं तुझे अच्छे कपड़े नहीं पहनाती हूँ कि तू भिखारियों की तरह दरवाजे दरवाजे गैरों से कपड़े मांगता फिरता है? चल उतार ये कपड़े, वापस कर। क्या बेशरम कहीं का। चलिए हुजूर लंच खाइए। चलिए आइए आइए। चल यार कैंटीन चलते हैं, खाना ही खा ले। तू चल, मुझे जरा मैनेजर साहब से काम है। क्यों भाई, क्या बात है? ये अचानक मैनेजर साहब से क्या काम निकल आया, वो भी लंच टाइम के सन्नाटे में? जो तू सोच रही है वो बात नहीं है, जरा उनकी मिजाज पुरसी करनी है।
किसी फूल को मेरी तारीफें करना, मेरी तारीफें करना बेहिसाब तू, लेके आना कोई अच्छा सा जवाब तू। आप आइए आइए बैठिए, क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? या तो चैन से जीने दो या चैन से मर जाने दो। मारना और जिलाना तो यानी कि भगवान के हाथ में है ना डार्लिंग? शट अप! तुम मेरे बेटे का पीछा क्यों नहीं छोड़ते? मैं भी तो यानी कि उसका कुछ ना कुछ तो लगता ही हूँ ना, हाँ? तुम उसके कुछ नहीं लगते, उसका बाप कोई और है। इतने दिनों तक मैं सब कुछ बर्दाश्त करता रहा इसलिए कि भूल मुझसे हुई थी। तुमने मुझे अदालत में खड़ा कर दिया, मुझसे अलग हो गई, मैं चुप रहा, लेकिन अब मैं और इंतजार नहीं करूंगा। आखिर मैं मर्द हूं, मेरी भी इज्जत है। मैं तुम्हें 30 दिन का नोटिस देता हूं, अगर तुम 30 दिन के अंदर अंदर मेरे पास वापस नहीं आई तो मैं तुम्हें छठी का दूध याद दिला दूंगा। ये मेरी आखिरी वार्निंग है। 30 दिन तो क्या, 30 जन्म तक मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। थैंक यू, नाउ गेट आउट। आई से गेट आउट। मीना जी, करोल बाग में जो धर्मशाला है 26 तारीख की शाम 8 बजे मेरी शादी है, जरूर आइएगा। क्या आप शादी कर रहे हैं? क्या बताऊं साधना जी, 40 बरस से पत्नी की आदत पड़ी हुई है, पत्नी और सिगरेट की आदत पड़ जाए तो फिर नहीं छूटती। जरूर आइएगा, और हाँ बच्चे को लाना ना भूलिएगा। अरे मीना, ये कैसा आदमी है? इसकी बीवी को मरे हुए 1 महीना भी नहीं हुआ ना, उस दिन तो अपनी बीवी के मरने के गम में कुएं में कूद रहा था और आज अपनी शादी के कांड बांट रहा, वो भी शर्मा शर्मा के। साधना, ये लोग औरत के प्रेम के नहीं उसके शरीर के भूखे होते हैं, तभी तो 1 महीने के अंदर दूसरी शादी कर रहा है। और एक तेरा पति 5 साल से तेरे नाम पे बैराग लिए बैठा है, दूसरी शादी का सोचा तक नहीं उसने। साधना जी, इनके पिता अभी तक गए तो नहीं? आप हर महीने अपना अपमान करवाने क्यों आती हैं भाभी जी? क्या करूं, तुम्हारी तरह पढ़ी लिखी तो हूं नहीं जो कोई काम करूं, हर पहली को यहां ना आऊं तो ये सारी तनख्वाह चूहे में उड़ा देती। अरे सुनो, उमेश जी ऑफिस में है कि चले गए? वो तो 4 बजे चले गए, पिछले दरवाजे से चले गए। अब पता नहीं कितना हार के आएंगे, मकान मालिक को दूध वाले को क्या जवाब दूंगी, इन बच्चों को कैसे पालूंगी, हर महीने अगर इसी तरह रुपए बर्बाद होंगे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी, ये बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, ये घर बर्बाद हो जाएगा। हे भगवान! हटो, बस इन्हीं बातों में ध्यान रहता है तुम्हारा, ऑफिस में क्या काम करते होगे? मैं तो घड़ी देखता रहता हूँ ना डार्लिंग। इस वक्त मुंह को संभाल के रख दो कहीं, हाँ? पहले मुंह हाथ धोकर कपड़े बदलो, फिर कायदे से चाय पियो, उसके बाद हम लोग जरा बाहर घूमने जाएंगे। अरे हाँ, आज तो तुम्हें तनख्वाह मिली होगी। करेक्ट, आज तो यानी कि बाहर किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये रही इस महीने की तनख्वाह। इस महीने तो इंक्रीमेंट भी मिली होगी। अगेन करेक्ट, 1525। लेकिन ये तो सिर्फ 1500 है, बाकी की 25 खर्च हो गए ना डार्लिंग। काहे में खर्च हो गए? अरे भाई कह दिया ना खर्च हो गए। वो तो सुन लिया, पर खर्च हुए काहे में, किस पर खर्च किए? देखो मैं अच्छे मूड में आया हूँ, मूड खराब मत करो। देखो, मूड की धमकी तो तुम मुझे देना मत, इसका मतलब ये हुआ कि तुम गुलछर्रे उड़ाओ और मैं इस जर से पूछू भी नहीं कि हिज हाइनेस का मूड खराब हो जाएगा। अरे 1525 रुपए तनख्वाह मिली, 1500 रुपए तुम्हारे हाथ में धर दिए, 25 रुपए का हिसाब नहीं लोगी तो यानी कि शांत तो नहीं कर जाएगी ना?
लेकिन जब से हम पूछे चली जा रही हो कहाँ खर्च किए, किस पे खर्च किए, क्यों खर्च किए, पूछ गछ की भी कोई हद होती है यार। क्यों नहीं पूछूं? जरूर पूछूंगी, आखिर मैं तुम्हारी बीवी हूँ, बताने में हर्ज क्या है? हर्ज ये है कि मैं काम करता हूँ, महीने भर अपना भेजा पिघलाता हूँ, इसलिए हिसाब दिए बिना खर्च भी कर सकता हूँ। अच्छा, कमाने की धमकी देते हो? ये लो अपनी कमाई। हर बात में अपनी मनमानी करना चाहते हो तो इस घर में मेरी क्या जरूरत है? तो फिर खाना कौन पकाएगा डार्लिंग? क्या, तो क्या मैं इस घर में सिर्फ खाना पकाने के लिए हूँ? नहीं 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 नहीं, यू स्टूपिड, थैंक यू, यू इडियट, थैंक यू वेरी मच, यू स्कैंडल, थैंक्स अ लॉट। ये लो, ये भी लो। डार्लिंग, डार्लिंग प्लीज, डार्लिंग रोना मत करो, प्लीज। अच्छा बाबा, तुम जानना चाहती हो ना कि मैंने 25 रुपए कहाँ खर्च किए? तो सुनो, तुमने कहा था ना कि तुम्हें ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्में बहुत अच्छी लगती हैं, तो ऑफिस से लौटते वक्त 2 टिकट गोलमाल के लाया था, वो भी ब्लैक में। ये सब कुछ इन टिकटों की वजह से हुआ, इन टिकटों की वजह से हुआ। ये वाली टिकटें, नाराज तो मैं हुई थी, तुम्हारा मैं क्यों सूझ गया? हाँ, पहले ही बता दिया होता कि टिकटों में पैसे खर्चोगे तो बात क्या बढ़ती। चलो अब गुस्सा ठूको। देखो डार्लिंग, तुम किसी की पत्नी तो हो नहीं, तुम क्या जानो कि जब पति अपनी पूरी तनख्वाह पत्नी के हाथ में रखकर अपने खर्चे के लिए पैसे मांगता है तो पत्नी को कितनी खुशी होती है। डार्लिंग, क्या तुम मुझे खुशी नहीं देना चाहते? Thank you.
सभी के नैनो बजरारे तारे बन गए अंगारे रूप जवानी सब हारे एक ही रात में वो सारे वादे तोड़ के सो गया वादे तोड़ के सो गया हाय हाय भरी जवानी में मेरा कालम बुढ़ा हो गया हाय हाय भरी जवानी मेरे मेरा कालम बुढ़ा हो गया मेरे साथ बैठकर खाना खाएगा वाह खाना तो खाना ही पड़ेगा ना डार्लिंग और अपने एमपी से अच्छा दुनिया में खाना और कोई बनाता ही नहीं है थैंक यू तो पहले क्या खाएगा तू चलो मुंह खोलो राजू अब तो भागना ही पड़ेगा ना डार्लिंग बार बार मना किया कि इधर उधर मत जाएगा पर जब होता है मरने आ जाता है यहाँ अब की बार इधर आया ना तो टांगे तोड़ दूंगी बोल क्यों आया था यहाँ मम्मी 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 तो आ ही नहीं रहा था ना हाँ एमपी को कुत्ता काटने दौड़ा वो चिल्लाया कुत्ते को पकड़ने तो आना ही पड़ा ना तू हाँ हाँ वो कुत्ता नहीं बब्बर शेर था अगर तू नहीं आता तो मुझे चीर देता था ठीक बोला थैंक यू तूने बचाया तूने बचाया कुत्ते के बच्चे अभी बताती हूँ अभी बताती हूँ छोड़ दो मुझे नहीं खोलूंगा सीधी तरह दरवाजा खोलता है कि नहीं नहीं खोलूंगा यू स्टूपिड थैंक यू यू इडियट थैंक यू वेरी मच यू स्काउंडरल थैंक्स अ लॉट मम्मी मैं तुम्हें रुलाया ना फिर कभी नहीं रुलाऊंगा जो तुम कहोगी वही करूंगा मुझे माफ कर दो मम्मी प्लीज मुझे माफ कर दो राजू राजू
खुदे
बड़ा सहारा है, वरना दुनिया में क्या हमारा है। लोग मरते हैं मौत आने से, हमको इस जिंदगी में मारा है। बेखुदी का बड़ा सहारा है। राजू, पिताजी कमाल है, आने की खबर भी नहीं दी। आइए आइए ना। मैं तुम्हारे पास नहीं, राम के पास आया हूँ। क्या, वो कौन होता है आपका? वो मेरा भगवान होता है। और मैं कुछ नहीं लगती? रिश्ते बाजार में नहीं बिकते ना, नहीं तो कह देता कि तुम मेरी कोई नहीं लगती। तुमने 5 बरस में एक बार नहीं सोचा कि तुम्हारा बुढ़ा बाप कैसा होगा, तुम्हारी छोटी बहन का क्या बना होगा, तुम्हारा छोटा भाई पढ़ रहा होगा या जेब कतरा बन गया होगा। लेकिन उसने हमारे बारे में पल पल सोचा, क्षण क्षण हमारा ख्याल किया। तुमने नहीं सोचा कि घर जब तनख्वाह से नहीं चल रहा था तो पेंशन से कैसे चलेगा। वो मेरा रक्षक है, उसने मेरे गरीब मगर इज्जतदार हाथों को दूसरों के सामने फैलने से बचाया। क्या तुम बता सकती हो राम कहां रहता है? वो सामने वाले घर में। राम बेटा। अरे पिताजी, आप जीते रहो बेटा, जीते रहो। आइए बैठिए ना। हेलो साधना जी, कैसी हैं? अच्छी हो, तुम कैसे हो? बस खैरियत। घर में सब ठीक ठाक? साधन जी, आज मेरी बहन की मंगनी है। अच्छा, मुबारक हो। अगर आप आ जाती तो। क्यों नहीं, जरूर आऊंगी। किस वक्त है? 5 बजे का मुहूर्त निकला। अच्छा, जरूर आऊंगी मैं। क्यों क्या चक्कर चला रहे हो? बहुत दिनों से मेरे आगे पीछे घूम रही है, पीछा ही नहीं छोड़ती। तंग आकर मैंने आज 5 बजे घर पे बुला ही लिया है? अरे फूक ले रहा है साला। फूक लेता होगा तेरा बाप, 5 बजे आके घर पे देख लेना। शर्त लगाता? लगी। 50-50 रुपए 5 बजे। अरे ये तो आ गई। Come in. बहन की मंगनी का बहाना करके मुझे यहां बुलाया, कमीने धोखेबाज। बहुत होशियार हो, अकलमंद के लिए इशारा काफी है। खबरदार जो एक भी कदम आगे बढ़ाया, ये मत समझना कि औरत अबला होती है। मरना हो तो नजदीक आओ। सोचा था खुद ही मान जाओगी और बड़ा मजा आएगा। अगर मुझे ही मनाना है तो कोई बात नहीं, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। 10 मिनट का वक्त देता हूं, ठंडे दिल से सोचो और फैसला करो। अरे पूरी, साधना को अंदर गए 5 मिनट हो गए, कोई आवाज ही नहीं आ रही। भाई मान गए, तेरी बाजू बड़ा चंड निकला,
गए तुम्हारे 50 रुपए? हाँ यार गए 50 रुपए। एक मिनट बाकी है, क्या फैसला किया? फैसला कर लिया है, या तो तुम्हें मारूंगी या अपने आप को मार डालूंगी। वक्त पूरा हो चुका है, जिस मकसद के लिए यहां बुलाया था वो अब पूरा होने वाला है। डरो नहीं, मैं तुम्हें हार लगाने की कोशिश भी नहीं करूंगा। लल्लू लाल से मैंने ये भुनक दिया था कि तुम यहां आ रही हो, बाहर पूरी रिसेप्शन कमेटी मौजूद है जिसने तुम्हें यहां आते हुए देखा है और जो तुम्हें यहां से जाते हुए भी देखेगी, और मेरी यह हालत देखकर ये समझ जाएगी कि अंदर क्या हुआ है। उस दिन चप्पल मार के जो तुमने मेरी बेइज्जती की, उससे यह बेइज्जती तुम्हें ज्यादा महंगी पड़ेगी। अरे लल्लू लाल जी, मैंने खुद अपनी आंखों से साधना को तेग बहादुर के घर में घुसते देखा। हाँ, और जब तेग बहादुर बाहर निकला तो उसके बाल बिखरे हुए जी, टी शर्ट उसके कंधे पर पड़ी हुई थी। अरे वो तो है ही ऐसी, शुरू शुरू में उसने मुझ पर भी बड़े डोरे डाले। लेकिन मुझे पटाना कोई आसान काम थोड़ी। हाँ? मैंने कहा चल हट 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 हट। अरे ये तेज बहादुर तो बड़ा लकी निकला यार। काहे का लकी यार, तलाक लेकर वो भी तो 5 साल से खाली बैठी है, उसका भी तो जी चाहता होगा है? और तेग बहादुर हाथ पांव का है भी तो ठाडा। हाँ यार। क्यों भाई, कल शाम का प्रोग्राम कैसा रहा? अरे क्या प्रोग्राम था यार, मजा आ गया। हाय मीना, मुझे तुमसे इस घटियापन की उम्मीद नहीं थी। मीना, क्या तुम भी इन लोगों की बातों में आ गई? ये सब झूठ है, बकवास है, ये सब उस हरामखोर तेज बहादुर की मक्कारी है। मीना, तुम तो मुझे 3 साल से जानती हो ना, हाँ? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? मुझ पर विश्वास करो मीना, मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं तुम्हारे ऊपर तो विश्वास कर लूँ साधना, लेकिन तुम्हारी जवानी पे विश्वास नहीं होता। क्या लग रहा है? ये मैं नहीं कह रहा सर, ऑफिस का सारा स्टाफ कह रहा है। उन्होंने साधना जी को रंगे हाथों पकड़ा है सर। इम्पॉसिबल, नामुमकिन। साधना आग है, अगर तेज बहादुर ने उसे छुआ होता तो जगह खाक हो गया होता। हवा में दीमक लग सकती है एमपी, लेकिन साधना के चरित्र के आईने पर धूल कभी नहीं पड़ सकती। साधना का जिंदा होना इस बात का सबूत है कि तेज बहादुर झूठ बोल रहा है। आपको मैनेजर साहब बुला रहे हैं। मुझे? आप ही को साहब, आइए। चलिए। अरे इसको क्यों बुलाया है? तेग बहादुर को अंदर बुलाया है, कोई खास बात है। आइए आइए भाइयों और बहनों, आइए सुनिए सुनिए, आकर सुनिए श्री तेग बहादुर की प्रेम कहानी, सुनिए सुनिए सुनिए। गुड मॉर्निंग सर। ये किसने कहा? मॉर्निंग तो अच्छी नहीं है, मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए भी। मैं समझा नहीं सर। अभी समझाता हूँ। कल तुमने साधना को अपने घर क्यों बुलाया था? सर वो बोलो बोलो। मेरा और साधना का सर। इसमें इसमें
अब बोल कमीने। सर मुझे माफ कर दो सर। झूठ बोला तो मार डालूंगा। सर मैं बताता हूँ सर। सर वो अकेली रहती है, खूबसूरत है, जवान है। उन्हें देखकर मेरी नीयत बिगड़ गई सर। एक दिन जरा पास होना चाहा तो उन्होंने चप्पल मार मार के मेरा भेजा पिलपिला कर दिया सर, और पब्लिक से अलग पिटवाया। दूसरे दिन मैंने माफी मांग ली, वो बड़ी दिलवाली सर, उन्होंने मुझे माफ कर दिया। लेकिन मैं बदला लेना चाहता था सर। तू अपनी झूठी बहन की झूठी मंगनी के बहाने मैंने उन्हें अपने घर बुला लिया। सर मैंने तो उन्हें हाथ लगाने की कोशिश भी नहीं की, पर ऑफिस के लोग बाहर खड़े थे। उन्होंने साधना जी को मेरे घर में आते देखा और फिर वहां से जाते देख लिया, और बस कहानी बन गई सर। जाकर अपनी मरम पट्टी करवा लो और पीछे दरवाजे से जाना। हाँ चलो गेट आउट। आई से गेट आउट। कमीना कहीं का तो ये बात है, साला भेड़िया शेर की खाल पहने हुए था। हम लोगों ने क्या सोचा और क्या निकला? अरे मैं तो हमेशा से ये कहता था कि साधना जी सती सावित्री है, गंगा जल की तरह पवित्र है। अपने कानों से सुन लिया बड़े बाबू, मैंने कहता था कि सब लोग बड़बड़ करते रहते हैं और हम खा बोलते। साधना, अरे रो क्यों रही है? ऑफिस में सभी ने मुझ पर कीचड़ उछाली। हद यह है कि तुमने भी, तुम जो मेरी इतनी प्यारी सहेली हो और मुझे अच्छी तरह से जानती हो, पर उन्हें अभी तक मुझ पर भरोसा है। मीना जानती है उन्होंने क्या कहा? हवा में दीमक लग सकती है पर साधना के चरित्र के आईने पर धूल नहीं पड़ सकती। उसका जिंदा होना ही इस बात का सबूत है कि तेज बहादुर झूठ बोल रहा है, ये कहा उन्होंने। उनके कुछ कहने न कहने से सर झूठ हो जाएगा क्या? बाहर मैं जाओ तुम सब लोग, मुझे और किसी के विश्वास की जरूरत ही नहीं। मेरे लिए इतना ही काफी है कि मेरे पति मुझ पर विश्वास करते हैं। क्या कहा? तेरा पति? यानी कि तूने फिर से शादी कर ली और मुझे बताया तक नहीं? साधना तू भी मुझसे धोखा खा गई थी ना? अरे पगली, मैंने तुझ पे कभी भी शक नहीं किया। मैं तो सिर्फ उकसा रही थी ताकि तू अपने पति की कदर करे और उसके पास वापस चली जाए। देख, प्यार गलतियों को सजा देने का नाम नहीं है, प्यार नाम है गलतियों को माफ करने का। नीना मुझे अकेले जाते हुए शर्म आती है, तू भी मेरे साथ चलना। हाँ हाँ नहीं नवेली दुल्हन है ना जो अकेले जाती शर्म आएगी। जी नहीं आप खुद जाइए, मैं चली अपने घर। ए, मीना प्लीज। मीना नहीं सॉरी टाइम नहीं है। मीना प्लीज। शुभ रात्रि। Ah!
सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं तो अपने डैडी की शादी करवा रहा हूँ। यू यू मेरे होते ब्याह करती हो तुम्हें शर्म नहीं आती? चलो, मैं तुम्हें से कह रही हूँ। ए लड़की, ऐसे शुभ अवसर पर टेंट क्या कर रही है? निकल जा यहाँ से। मैं अपने पति को लेकर ही जाऊंगी। पति? यानी कि मुझको तारीख तक याद है ना? आज से 6 साल पहले 4 अक्टूबर को आपने तलाक दिया था मुझको। ये देखिए। ये पेपर जलने से कुछ होगा ही नहीं ना, कोर्ट से इसकी नकल मिल सकती है। जी हाँ, तू तो तलाक ले चुकी है, फिर क्या अधिकार जमा रही है यहाँ खड़ी खड़ी? शराफत से जाना चाहती है तो वैसा बोल, जूते खा के जाना चाहती है तो वैसा बोल। तुम चुपचाप बैठे बैठे मेरी बेइज्जती देख रहे हो? तू होता था ना मुझे यहाँ से निकालने वाला? मैं दुल्हन का बाप हूँ। अरे बाप है तो ले जा अपनी बेटी को, नहीं तो तेरी और तेरी बेटी की जान ले लूंगी मैं। हाँ, तू ऐसे नहीं मानेगी, निकल जा यहाँ से। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं चाचा जी, आप क्या कर रहे हैं? आपको भी यूं अपनी इंसलेट करवाने के लिए यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैनेजर साहब बेचारे 5 साल तक आपका इंतजार करते रहे कि नहीं? और मैंने 5 साल तक इंतजार नहीं किया तो क्या झक मारी? वो तो मुझे पता नहीं, पर आप तो 30 दिन का नोटिस भी घुटक गयी। अरे एक दिन ज्यादा हो गया तो क्या आसमान टूट पड़ा, बिजली गिर पड़ी? ऐसा ही हुआ होगा, तभी तो मायूस होकर हमारे मैनेजर साहब अथवा मेरे होने वाले बहनोई ने मेरी छोटी बहन को स्वीकारने का फैसला किया, और मेरी बहन ने स्टैम्प पेपर पर लिख कर दस्तखत कर दिए हैं कि नंबर 1, ये अपने पति पर दिन रात शक नहीं करेगी। कोई कहेगा कौवा कान ले गया तो कौवे के पीछे दौड़ने से पहले अपना कान देखेगी। नंबर 2, अपने पति अथवा मेरे होने वाले जीजा जी से तनख्वाह के 1-1 पैसे का हिसाब नहीं मांगेगी। नंबर 3, यदि कोई भूल चूक हो जाए तो पहले ये छानबीन करेगी कि ये भूल जानबूझकर की गई या भूल से हो गई, तल से कचहरी में जाके तलाक नहीं मांगेगी। अरे चुप रे कमीने, मेरे भोले भाले पति को फंसा दिया। पति नहीं साधना जी, एक्स पति, अर्थात वो पति जो पहले पति था और अब पति नहीं है। अरे चुप रे, अर्थात के बच्चे, तेरी और तेरी बहन की तो ऐसी की तैसी। राम, देखो राम, मैं वादा करती हूँ अब मैं कभी गुस्सा नहीं करूंगी, लड़ूंगी भी नहीं, शक भी नहीं करूंगी, और गुस्से में तलाक भी नहीं लूंगी। हाँ, मुझको माफ कर दो राम, राम मुझको माफ कर दो। मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, मुझे अभी 2 विवाह और करवाने हैं। अरे ओ पंडित, एक ब्याह तो मर्द का दूसरा ब्याह कराएगा? मेरे तलाक नामे पर अग्निदेव ने दस्तखत किए थे जब मेरा ब्याह टूट गया। अरे तेरी आंखें फूट गई क्या? मेरा सिंदूर दिखता नहीं तुझे? अरे ओ चुड़ैल, तू वहाँ क्या बैठी है? हट मेरी जगह से। तुमने चंदा बीड़ी, इसे धक्के मार मार कर बाहर निकाल दो। ले जाओ इसे, ले जाओ। शादी करने के लिए अभी करा दी शादी? अरे छोड़ो छोड़ो। मुबारक हो सर, भाई बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ओह बहुत मजा आया। अरे वाह वाह वाह। खामोश खामोश भाइयों, खामोश। साधना जी, ये मेरा छोटा भाई है गोपी, चल पांव छू साधना जी के आशीर्वाद से। धन्यवाद धन्यवाद। मम्मी डार्लिंग, पंडित जी भी हैं।
डैडी से दूसरी शादी यानी कि कई डाला ना।